चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस आईसीसी टूर्नामेंट के लिए जमकर तैयारी कर रहा है। ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, ये भी अब तक साफ नहीं हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान की मीडिया की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया है। टीम इंडिया के 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी से टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने और उनके मैचों को पाकिस्तान से बाहर करवाने का अनुरोध करने की योजना बना रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा आयोजन पाकिस्तान में ही करवाए। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी से हटता है तो श्रीलंका उनकी जगह लेगा और श्रीलंका क्रिकेट आईसीसी की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। ऐसे में इस बार टूर्नामेंट में वो टीमें हिस्सा लेंगी जो 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान सुपर 8 में पहुंचने में सफल रही थी। श्रीलंका उन 8 टीमों का हिस्सा नहीं थी। अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस लेगी तो एक नई टीम की टूर्नामेंट में एंट्री होगी और आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से श्रीलंका उसकी दावेदार है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा भी नहीं किया। इससे पहले एशिया कप 2023 की मेजबानी भी पाकिस्तान ने ही की थी, लेकिन भारतीय टीम के चलते टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया गया था, जहां टीम इंडिया ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ICC से दुबई या श्रीलंका में मैचों की मेजबानी करने के लिए कह सकता है। अगर ICC इसकी मंजूरी देता है तो चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जा सकती है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब देखिए, अगर बात की जाए सच्चाई की तो ये बात तो सच है कि भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। ये सबको पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। बस पाकिस्तान को यह है कि बवाल मचाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि भाई अगर भारत नहीं आया तो श्रीलंका भारत को रिप्लेस कर देगा, पर टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में होगा। उनके सारे पत्रकार, उनकी पूरी मीडिया, उनके पूर्व क्रिकेटर्स यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मुल्क के बाहर अपने मैचेस नहीं खेलेगा। अब उनको ये कौन बताए कि भाई आईसीसी में पाकिस्तान का दबदबा नहीं, बीसीसीआई का दबदबा चलता है और BCCI की बदौलत ही ये टूर्नामेंट फ़ायदे में जाएगा और रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर BCCI इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहा तो ना तो ICC को रेवेन्यू मिलेगा, ना ही पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा, और अगर रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो ये टूर्नामेंट लॉस में चला जाएगा। और ICC ये बात जानता है कि ब्रॉडकास्टर्स भारत के हैं, एडवर्टीजमेंट भारत से आएंगे, व्यूअरशिप भारत से आएगी, और अगर भारत के लोग ही मैच नहीं देखेंगे तो ये टूर्नामेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि अगर भारत वहाँ पर नहीं आया तो ये टूर्नामेंट फिर हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा।